अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कोर्स के अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास कम्प्लीमेंट्स होते हैं, वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास नाइन्स कम्प्लीमेंट एंड टेंस कम्प्लीमेंट, एंड इन ऑक्टल नंबर सिस्टम वी हैव सेवन्स कम्प्लीमेंट एंड एट्स कम्प्लीमेंट, एंड सेम लाइक इन हेक्साडेसिमल we have 15th complement and 16th complement. यहाँ पे हमें 16th लिखना है, 16th complement. Okay. In next slide we are going to discuss complements of binary number system. तो यहाँ पे देखें, पहले ones complement लिया, ये हमारे पास एक number है जिसका हमने complement लेना है। तो सबसे पहले देखें ones complement कैसे लेते हैं। ये नंबर यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये नंबर सेम ऐसे यहाँ पे लिख लिया, आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले वन है, फिर ज़ीरो है, फिर वन वन और फिर फोर ज़ीरो है। ये नंबर मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया। अब करना क्या है, सिंपली इन नंबर्स को, इन बिट्स को आपने चेंज कर देना है, रिवर्स कर देना है। जहाँ पे ज़ीरो है उसको वन कर दें, ये देखें ज़ीरो की जगह वन, फिर ज़ीरो की जगह वन, ज़ीरो पे वन आ गया ज़ीरो, और जहाँ पे वन है उसकी जगह ज़ीरो लिख देना है। फिर ज़ीरो आया तो वन कर दिया, फिर वन आया तो हमने ज़ीरो कर दिया। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है, जो हमने इन बिट्स को चेंज किया है, हमने ज़ीरो की जगह वन किया और वन की जगह ज़ीरो किया है, तो रिज़ल्ट में जो हमारे पास बिट्स आए हैं इसको हम बोलते हैं वंस कम्प्लीमेंट। वंस कम्प्लीमेंट लेने का एक और तरीका भी है। हम ये करते हैं कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं। एक तो ज़ीरो होता है डिजिट, और दूसरा क्या होता है, वन। सेकंड आप मुझे ये बात बताएं कि इन दोनों में से, दो ही सिंबल्स हैं, दो ही बिट्स हैं, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। डेफिनेटली ये जो हमारे पास बिट सबसे बड़ा हो, या जो नंबर हम हमारे इस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा हो, आप उसको लिख लेंगे। यहाँ पे वन लिखा, ये कितने लिखने हैं, यहाँ पे जितने बिट्स आपके पास हैं, यहाँ पे एट बिट्स हैं तो आप एट वंस लिख लें। वन ये मैंने अगेन लिखा तो टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये कितने हो गए सेवन, और ये एट लिखने थे, एट लिख लिए। अब ये जो नंबर है जिसका आप वंस कंप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, इससे नीचे ये लिख लें, आप लिखें वन, उसके बाद ज़ीरो, उसके बाद वन, फिर वन, फिर हमारे पास फोर ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो लिखा, फिर ज़ीरो लिखा, फिर ज़ीरो लिखा और फिर ज़ीरो लिख दिया। ये लिखने के बाद सिंपली इनको माइनस कर दें। यहाँ पे वन में से ज़ीरो निकाला तो क्या बनता है, वन। वन में से ज़ीरो माइनस गया तो ये, वन में से ज़ीरो गया तो ये वन में से ज़ीरो गया तो वन। यहाँ पे वन में से वन निकालेंगे आता है जी ज़ीरो, वन में से वन निकालेंगे आता है ज़ीरो, वन में से ज़ीरो निकालें तो वन, वन में से वन निकालें तो ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है ये क्या है, ये हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट निकल आया है। तरीका आप समझ गए होंगे कि हम नंबर सिस्टम जो भी था, हमारे पास ये नंबर सिस्टम था बाइनरी, और इसमें हमने क्या किया, देखा कि सबसे बड़ा सिंबल क्या है, वो हमने यहाँ पे हर बिट के ऊपर लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास एट बिट थे तो हमने क्या किया, एट ही वंस लिख लिए, और फिर उनमें से जो हमारा गिवन नंबर है ये वाला, इसको हमने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया है ये क्या है, वंस कम्प्लीमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों आंसर सेम है। ओके जी, वंस कम्प्लीमेंट तो आपको दो तरीके मैंने बता दिए, आप वंस कम्प्लीमेंट दोनों तरीकों से ले सकते हैं। आप चाहें तो इन बिट्स को रिवर्स कर दें तो भी आपका वंस कम्प्लीमेंट आ जाता है, या आप देखें कि सबसे बड़ा जो नंबर है उनमें से माइनस कर दें तो भी आपके पास ये वंस कम्प्लीमेंट आ जाता है। अभी बात करते हैं टूज कम्प्लीमेंट की, टूज कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। बहुत आसान है जी, आपके पास जो भी नंबर है जिसका आपने टूज कम्प्लीमेंट लेना है, जिसका आपने टूज कम्प्लीमेंट लेना है, वो आप लिख लेंगे, ये लिख लिया राइट। तो सबसे पहले इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लें। वंस कम्प्लीमेंट लेने के दो तरीके बता दिए हैं, आराम से आप ले सकते हैं। तो एक तरीका जो सिंपल था, क्या किया जी, इन सारे बिट्स को उल्ट कर दिया। यहाँ पे देखें तो उल्ट करके हमने वंस कम्प्लीमेंट तो ले लिया,
यहां तक हमारे पास क्या आ गया, वंस कंप्लीमेंट। अब वंस कंप्लीमेंट आ जाए तो टूज कंप्लीमेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली उसमें वन ऐड कर दें। जो आपका रिजल्ट आया है वंस कंप्लीमेंट लेने के बाद, उसमें वन को ऐड करें तो आपका जो रिजल्ट आता है ये है टूज कंप्लीमेंट। देखिए जी, वन ऐड किया कैसे जी, वन प्लस वन किया तो ये आंसर बनता है टू। अब देखिए वन प्लस वन हमारे पास क्या बनता है, टू। इस टू को बाइनरी में लिखें, इस टू की बाइनरी बनती है 10। इस टू की बाइनरी क्या बनती है, 10। कैसे बनती है आप चेक कर लें, अभी आपको कन्वर्जन मैंने करवाई है प्रीवियस लेक्चर में। 2 से डिवाइड किया तो 1 आर 2 और रिमाइंडर में क्या आया, 0। ये आंसर आता है 10। ये हमारे पास जब आंसर आता है तो ये 0 हमने इधर लिखा और ये जो 1 है ये यहाँ पे कैरी आ जाता है, ये कैरी आया। तो इस 1 को और इस 1 को आपस में ऐड करने से फिर 2 आ जाता है और फिर यही सीन के 10, और यहाँ पे हमने 0 लिखा और ये 1 यहाँ पे फिर कैरी। इन दोनों को ऐड किया फिर वही आता है 2। 2 को हमने कन्वर्ट किया तो ये बनता है 10, 0 इधर लिखा तो ये कैरी 1 आ गया। अगेन यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा और अब इस 1 को और इस 0 को ऐड करें तो ये 1 आ जाता है। उसके बाद ये 0 है तो ये 0 अगेन आ गया, ये 1 डायरेक्ट 1 आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास जो आंसर है अब ये क्या है, ये टूज कंप्लीमेंट है। होप सो आपको वंस कंप्लीमेंट लेना और टूज कंप्लीमेंट लेना आ गया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि इसका वंस कंप्लीमेंट लें या टूज कंप्लीमेंट लें तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पे जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम में एक हमें वैल्यू दी गई है, ये है 4829571। ये वैल्यू दी गई है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है इसीलिए हम इसका नाइन्स कंप्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। नाइन्स कंप्लीमेंट लेना इंतहाई आसान है, क्या करें जी, ये नंबर जो है ये सारे एक बार तो यहाँ पे लिख लिए। ये लिखने के बाद अब क्या करना है, अब ये चेक करना है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा सैंपल कौन सा होता है। अब देखें तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और ये हमारे पास चलते चलते कहां तक सैंपल जाते हैं, 9 तक। आपको पता होगा कि डेसिमल में हमारे पास मैक्सिमम जो सैंपल है या मैक्सिमम नंबर क्या है, वो 9 है। तो हमने क्या किया, हर नंबर के ऊपर ये 9 लिख दिया, ये 9 लिखा, ये 9 लिखा, ये 9 लिखा, ये 9, जितने हमारे पास डिजिट थे 8 डिजिट थे तो हमने ऊपर 8 9 इस तरह से लिख दिए। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, ये स्टेप आपको होप सो समझ आ गया होगा, क्योंकि हम जिस भी नंबर सिस्टम में हैं उसका मैक्सिमम डिजिट लेना है, मैक्सिमम नंबर लेना है और उसको ऊपर लिख लेना है। अब इसमें से माइनस कर देना है हमने अपना ये नंबर, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आ गया, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ गया, 9 में से 5 माइनस किया तो 4 आ गया, 9 में से 9 माइनस किया तो 0 आ गया, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 9 में से 8 माइनस किया तो 1 और इसी तरह 9 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास 5 आता है। ये जो हमारे पास नंबर आया है ये हमारे पास है नाइन्स कंप्लीमेंट। होप सो आपको अच्छा समझ आया होगा, इंतहाई सिंपल है। हमने क्या किया, इस नंबर को यहाँ पे लिखा और इसके ऊपर हमने क्या किया, जिस नंबर सिस्टम की बात हो रही है ना, नाइन्स कंप्लीमेंट हमेशा हम डेसिमल में लेते हैं, तो डेसिमल में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9, और 9 को हमने ऊपर लिख लिया और इसमें से माइनस किया तो ये रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं टेंस कंप्लीमेंट की। टेंस कंप्लीमेंट लेने के लिए यही नंबर ऐसे लिखा और सबसे पहले हमने क्या किया, नाइन्स कंप्लीमेंट लिया, नाइन्स कंप्लीमेंट। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नाइन्स कंप्लीमेंट आराम से ले सकते हैं। जैसे ही हमने नाइन्स कंप्लीमेंट लिया, एक काम और किया हमने कि 1 उसमें ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस 8 में 1 ऐड किया तो 9 आ गया और बाकी सारे के सारे डिजिट्स सेम है, बाकी किसी डिजिट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। हमने यहाँ पे एक नंबर ऐड किया और ये हमारे पास क्या आ गया, टेंस कंप्लीमेंट। तो इंतहाई सिंपल है, ये भी आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंप्लीमेंट, लेकिन ये कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने क्या करना है, 7 कंप्लीमेंट इसका लेना है और इसी तरह 8 कंप्लीमेंट लेना है। तो सबसे पहले 7 कंप्लीमेंट लेने के लिए ये नंबर यहाँ पे लिखा और इसके ऊपर 7 7 7 लिख दिया सब पे। ये क्यों किया यार,
होप सो आपको समझ आ गया होगा कि 7 क्यों लिखा है। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की, और ऑक्टल नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1, फिर 2, और ये चलते चलते मैक्सिमम नंबर होता है इसमें 7। तो यही मैक्सिमम नंबर तो हमने उठाना होता है, यही मैक्सिमम नंबर उठाया और हर डिजिट पे, यहाँ पे जितने डिजिट्स हैं हर डिजिट के ऊपर लिख दिया, और फिर हमने क्या किया इसमें से माइनस कर दिया। तो ये 7 में से हमने माइनस किया 1 को तो 6 आ गया, 7 में से 7 निकाला तो 0, और इसी तरह 7 में से 4 निकाला तो 3, 7 में से 5 निकाला तो 2, 7 में से 6 निकाला तो 1, 7 में से 2 निकाला तो 5, 7 में से 7 निकाले तो 0, और इसी तरह 7 में से 3 निकाला तो ये 4। होप सो आपको अच्छा समझ आया होगा, बहुत सिंपल है 7's कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब हम मूव करते हैं 8's कॉम्प्लीमेंट। 8's कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमने क्या किया, ये नंबर यहाँ पे लिखा और ये ऊपर 777 लिखे, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया 7's कॉम्प्लीमेंट। 7's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के बाद हम वही काम करेंगे कि इसमें 1 ऐड कर देंगे, और ये रिजल्ट यहाँ पे देखिए 6 में 1 ऐड हुआ तो 7 आ गया, और ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये क्या है, 8's कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि हमें कोई नंबर दिया गया हो और उसका हमने 7's कॉम्प्लीमेंट लेना हो और 8's कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम कैसे लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे लास्ट में है 15's कॉम्प्लीमेंट और 16's कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे पता चलता है कि ये किस नंबर सिस्टम से है, यहाँ से पता चल जाता है, इधर से पता चल जाता है। 7's कहें तो 7's कॉम्प्लीमेंट कहें तो इसका मतलब है हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, 8's कॉम्प्लीमेंट कहें तो इसका मतलब हम ऑक्टल में बात कर रहे हैं, अगर हम 9's कॉम्प्लीमेंट कहें या 10's कॉम्प्लीमेंट कहें तो इसका मतलब है हम डेसिमल में बात कर रहे हैं, अगर 1's कॉम्प्लीमेंट या 2's कॉम्प्लीमेंट कहें तो इसका मतलब है हम बाइनरी में बात कर रहे हैं, और अगर हम 15's कॉम्प्लीमेंट या 16's कॉम्प्लीमेंट कहें तो इसका मतलब हम हेक्साडेसिमल में बात कर रहे हैं। और एक नंबर दिया गया है यहाँ पे हेक्साडेसिमल का, अब क्या करना है, इसका 15's कॉम्प्लीमेंट लेना है और हमने 16's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इंतहाई सिंपल है, कैसे करेंगे ये सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ये नंबर लिख लिया। इस नंबर में आपको कोई ए ई सी बी इस तरह के कुछ आपको सैम्पल्स नजर आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये नजर आएंगे, क्योंकि ये नंबर कौन सा है, हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे इसके टॉप पे जो रेड कलर में हमने लिखा हुआ है ये सारे हमने एफ 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 लिख दिए हैं, यहाँ पे 8 डिजिट थे तो हमने 8F लिख दिए, ये 4F और उसके बाद मजीद 4F, ये F क्यों लिखे, कोई बता सकता है? जी डेफिनेटली आप बता सकते हैं, लेकिन मुझ तक तो आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी, तो कोई बात नहीं मैं ही बता देता हूं आपको। ये F हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जब बात करते हैं हेक्साडेसिमल की तो वो स्टार्ट होता है 0 से, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और ये चलते 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 फिर 9 आता है, और 9 के बाद आपको पता है हमारे पास सीरीज स्टार्ट हो जाती है ए, फिर बी, और फिर सी डी ई, और फिर एंड होता है एफ पे। तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि हमारे पास हेक्साडेसिमल में सबसे बड़ा सिंबल जो है, सबसे बड़ी वैल्यू जो है, वो डिजिट या वो सिंबल कौन सा है, एफ। तो हमने तो ये एक रूल बना लिया था ना कि जिस भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे होंगे उसी का सबसे बड़ा सिंबल देखेंगे और उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें F मिला तो F को हमने लिख लिया और F में से ही फिर हम इनको माइनस करेंगे। इस F में से B को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, आप इसको काउंट कर सकते हैं, B के बाद क्या आता है C D E और F, ये 4 बनता है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। इसी तरह F में से 8 निकाला तो 8 आ गया, क्यों बोला, क्योंकि F हमारे पास क्या होता है, F हमारे पास 15 होता है और उसमें से हमने 8 निकाला। ओ यस, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे F में से 8 निकालें तो हमारे पास 7 आता है, 8 नहीं आता। आप देख सकते हैं F का मतलब होता है 15 और 15 में से 8 निकालें तो क्या बनता है, 7। ओके, यहाँ पे F में से C निकाला तो हमारे पास 3 आया, F में से 5 निकाला तो इसी तरह A आ गया, फिर F में से A निकाला तो 5 आ गया, F में से 2 निकाला तो D आ जाता है, और F में से E निकालें तो 1 बनता है, F में से 3 निकालें तो C बनता है। ये तो हमारे पास आ गया 15's कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने लेना हो 16's कॉम्प्लीमेंट तो इसी तरह से हम
ये नंबर लिखेंगे और उसके बाद f लिख देंगे और ये हमारे पास कैलकुलेट होने के बाद आ जाएगा 15th कंप्लीमेंट। और यहाँ पे करेक्शन करने वाली है, ये मैं 8 की जगह 7 लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया 15th कंप्लीमेंट। और जैसे हम प्रीवियस नंबर सिस्टम के साथ कर रहे थे, हमने 1 ऐड करना है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 16। ये हमने 4 में 1 ऐड किया तो ये 5 आता है, यहाँ पे तो करेक्शन के लिए वो हम 7 लिख रहे हैं, ये 7 आ गया। अब ये खुद भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। ये यहाँ पे जल्दी में लिखने में स्लाइड के अंदर मुझसे प्रॉब्लम हो गया था, बाकी आप समझ गए होंगे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है ये कैलकुलेट करना। तो यहाँ तक हमने कॉम्प्लीमेंट्स आज कवर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंड नंबर देखेंगे और उसके बाद हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।